म्यूजिक लाइकर चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम बात करेंगे एक बोतल के बारे में। दरअसल ये बोतल के साथ साथ इसमें हमें एक स्पीकर देखने को मिलेगा, तो ये हमारी जो बोतल है ठंड में और गर्मी में दोनों में काम आएगी, क्योंकि इसमें हम गर्म मटेरियल भी रख सकते हैं और ठंडा मटेरियल भी रख सकते हैं। तो चलिए, म्यूजिक लवर्स और बोतल कैरी करने वालों के लिए ये एक सौगात हो सकती है। देखते हैं किस तरह की ये बोतल रहेगी, तो चलिए जान लेते हैं। हमारे पास जो ये बोतल है दरअसल ये रहती है मिल्टन कंपनी की, जिसका मॉडल नेम रहता है बूम 900। तो अब हम चलते हैं इसके नीचे की तरफ। इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ब्लूटूथ, दरअसल इस बोतल के अंदर हमें ब्लूटूथ स्पीकर देखने को मिल जाएगा। तो अब हम इसके डिज़ाइन की ओर चलते हैं। तो इसमें कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाया हुआ है, नीचे मोबाइल भी प्रिंट किया हुआ है कि मोबाइल के साथ हम ब्लूटूथ स्पीकर को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसके साइड में कुछ इन्होंने डिटेल बताई हुई है, तो चलिए एक नज़र इनकी डिटेल पे मार लेते हैं। तो चलिए मैं आपको एक डिटेल पढ़ के दिखा देता हूँ। तो इस पर लिखा हुआ है प्ले योर फेवरेट म्यूजिक ऑन दी को, तो आप अपना फेवरेट म्यूजिक प्ले कर सकते हो। वाटर रेजिस्टेंट ये बोतल रहती है, कंफर्टेबल होगा ये आपके iOS के साथ, एंड्रॉयड के साथ या टेबलेट्स के साथ भी। उसके बाद माइक्रोफोन इसमें रहेगा कॉल उठाने के लिए कि आप बात कर पाओगे स्पीकर की मदद से। और जो ये बोतल है दरअसल स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन भी है कि आप लास्ट कॉल जो आपके पास आई हुई है उसको कॉल बैक कर सकते हो। और जो इसका हैंडल है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट उसमें जलेगी। और नीचे की तरफ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 4 घंटे इसकी बैटरी चलेगी अगर आप इसको नॉर्मल वॉल्यूम पे रखोगे। माइक्रो यूएसबी का पोर्ट दिया गया है फॉर फास्ट एंड ईजी चार्जिंग के लिए। तो चलिए अब हम इस बोतल को अनपैक करके देख लेते हैं कि किस तरह की ये बोतल रहती है। तो कुछ इस तरह की पैकिंग में हमें बोतल देखने को मिल जाती है, तो चलिए इसके रैप को उतार देते हैं। तो कुछ इस तरह की ये बोतल रहती है। आगे की तरफ हमें मिल्टन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है मिल्टन थर्मो स्टील हॉट 24 आवर, मतलब कि हम इसमें हॉट और कोल्ड दोनों मटेरियल रख सकते हैं। तो 24 घंटे तक ये उसको हॉट है तो हॉट रखेगी, अगर कोल्ड है तो कोल्ड रखेगी। तो उसके बाद जो मेन हाईलाइट है वो दरअसल इसकी रहती है स्पीकर की। तो इसकी पैकिंग को मैं हटा लेता हूँ। तो कुछ इस तरह के इसमें एक ऐप रहती है, दरअसल इस ऐप के अंदर हमें स्पीकर देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम इस ब्लूटूथ स्पीकर को ऑन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से ये ऑन हो जाता है। अगर इसमें जो ऊपर की तरफ जो हमारा हैंडल दिया गया है इसमें लाइट ब्लिंक करती है, अगर वो ब्लू कलर की रहती है तो हमारा स्पीकर रेडी है पेयरिंग के लिए। तो चलिए अब हम इसके फिजिकल डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इस बोतल की, तो ये स्टेनलेस स्टील की बोतल हमें देखने को मिल जाती है। आगे की तरफ इसमें मिल्टन की ब्रांडिंग है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अगर मैं बात करूँ नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ हमें पैड नहीं मिलेगी कि ये अच्छे से ग्रिप कर पाए। तो नॉर्मली इसका डिज़ाइन स्टेनलेस स्टील का बनाया हुआ है नीचे की तरफ से भी। तो अब हम बात कर लेते हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ ये जो कैप है दरअसल इसको मैं हटा लेता हूँ। बोतल के अंदर देखते हैं कि क्या हमें देखने को मिलेगा। बोतल के अंदर हमें एक चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी, एक यूज़र मैनुअल हो सकता है, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो कुछ इस तरह का पेपर वर्क और एक चार्जिंग केबल हमें इसमें देखने को मिल जाएगी। तो इस पर भी मॉडल नेम वगैरह मेंशन है। तो चलिए इस पेपर वर्क को और इस चार्जिंग केबल को रखते हैं साइड में और बात करते हैं इस बोतल के बारे में। तो हमारा जो मेन हाईलाइट है दरअसल ये कैप ही रहती है, इसके अंदर हमें स्पीकर देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं इसको एक बार लगा लेता हूँ। चलिए बात करते हैं इस कैप के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो इसमें हमें 3 बटन देखने को मिलेंगे जिसकी मदद से मैं नेक्स्ट, प्रीवियस सॉन्ग या फिर वॉल्यूम अप डाउन कर सकता हूँ। और बीच में एक बटन दिया गया है जहाँ से मैं म्यूजिक को पॉज कर पाऊँगा या फिर स्पीकर को ऑन या ऑफ कर पाऊँगा। नीचे की तरफ मिल्टन की ब्रांडिंग दी गई है और ऊपर की तरफ हमारा स्पीकर रहता है, आप ग्रिल देख रहे होंगे। नीचे की तरफ दरअसल ग्रिल बनाई हुई है और जो ये हैंडल है दरअसल इसके अंदर लाइट ब्लिंक करती है डिफरेंट डिफरेंट कलर की, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की ये पेयर है या नहीं है, इसमें म्यूजिक प्ले हो रहा है या नहीं। और उसके अगर मैं बैक साइड में चलूँ तो नीचे की तरफ एक होल हमें देखने को मिल जाएगा, दरअसल ये रहता है माइक्रोफोन का। और बैक साइड में इसमें एक यहाँ पे जो ये ग्रीन पार्ट दिया गया है दरअसल इसको मैं हटा के अपने स्पीकर को चार्जिंग लगा सकता हूँ, जो कि रहता है माइक्रो यूएसबी पोर्ट। तो दरअसल अगर मैं बात करूँ बैटरी के बारे में, तो इसमें 450 mAh की बैटरी हमें देखने को मिल जाएगी। फ्रीक्वेंसी है जो रहती है 150 Hz से 15 kHz तक। तो अब हम बात कर लेते हैं इस बोतल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, डू नॉट इमर्ज लीड इन वाटर, यानी कि जो ये हमारी कैप रहती है
इसको हमें पानी में नहीं डुबाना है क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ स्पीकर दिया गया है। अगर हम इसको पानी में डुबाते हैं तो हमारा स्पीकर ख़राब हो सकता है। तो अब हम चलते हैं कि जो हमारी बोतल है उसमें हम कितना लिक्विड भर सकते हैं। तो इस बोतल में हम 700 ml लिक्विड भर सकते हैं, लेकिन इसकी जो मॉडल नेम रहता है बूम 900, तो इनका मॉडल नेम तो 900 रहता है, लेकिन इसमें सिर्फ हम 700 ml ही मटेरियल रख पाएंगे। वो हम चाय रख सकते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक रख सकते हैं या ठंडा पानी, गर्म पानी, कुछ इस तरह का कोई भी मटेरियल हम रख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इस स्पीकर की साउंड क्वालिटी के बारे में। तो मैं कोई सॉन्ग प्ले करके देख लेता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ मोबाइल फ़ोन। तो मैं वीडियो के अंदर कोई भी ऐसा सॉन्ग नहीं प्ले करूँगा कि मेरे को कॉपीराइट क्लेम हो। मैं नॉर्मल सिंग इसमें प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। दरअसल अगर मैं साउंड क्वालिटी की ओर चलूँ तो मुझे काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी दरअसल इसमें नहीं देखने को मिली। तो क्योंकि इसमें अगर मैं वॉल्यूम को ज़्यादा बढ़ा देता हूँ तो इसकी आवाज़ फटने लग जाती है, तो मुझे इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी मैं नहीं कहूँगा। लेकिन अगर आप इस बोतल के साथ स्पीकर खरीदना चाहते हो, मतलब कि अलग स्पीकर नहीं खरीदना चाहते, तो ये बोतल आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। और जैसे मैंने बताया कि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग और काफ़ी अच्छी ये बोतल हमारी रहती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस बोतल के प्राइस के बारे में। तो इस बोतल का प्राइस रहता है 1370 रुपये, यानी कि 1400 रुपये। तो अब हम चलते हैं कि हमें इस बोतल को खरीदना चाहिए या नहीं। तो अगर आप बोतल कैरी करते हो कुछ इस तरह की और उसके साथ साथ आप स्पीकर भी चाहते हो, तो आपके लिए ये बोतल काफ़ी अच्छी रहेगी। तो अब हम इसके दूसरी साइड चलते हैं कि आपको ये बोतल क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। तो अगर मैं कंपेयर करूँ नॉर्मल बोतल से, मिल्टन की हमें बोतल 800 रुपये की ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगी। तो अगर मैं बात करूं कि हमें कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, तो 700 रुपये हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे सिर्फ इस स्पीकर के। तो अगर आप एक्स्ट्रा कोई स्पीकर खरीदना चाहो तो 700 रुपये में आपको इस स्पीकर साउंड से काफ़ी अच्छा स्पीकर मिल जाएगा। अगर आप अलग अलग स्पीकर और बोतल कैरी कर सकते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अलग अलग ही खरीदना, क्योंकि स्पीकर की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लगी। अगर आप ट्रैवल करते हो और आप एक ही चीज़ में गुजारा करना चाहते हो तो आप इस बोतल को खरीद सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि आपके लिए ये बोतल फ़ायदेमंद है या फिर नहीं। तो कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द म्यूजिक लाइकर को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इन फ्यूचर में आपके लिए लेकर आता रहूँगा कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपका फिर भी कोई सवाल या सुझाव रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, मैं आपको आपका आंसर दे दूंगा। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए।